हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैं थोड़ा रात को मतलब शाम को मैं थोड़ा टायर्ड था, इसीलिए रूम का व्लॉग नहीं बना सका, तो अभी बना रहा हूँ। एक छोटा रूम टूर दे रहा हूँ। ये देख लो, एक ओवन है, ठीक है। इधर एक दो ड्रावर, ये फ्रिज, और ये देखो भाई, इंडक्शन भी दिया है, चाय के ग्लासेस, किचन एट, इधर शेल्फ्स, और ये शेल्फ वगैरह, ड्रावर्स, वो मेरा चेयर है सस्ता वाला, ये मेरा ORS का पैकेट है जो उसमें उस बोतल में भर चुका हूँ, और ये बेड है जो जैसे थी वैसा है नहीं अभी। अभी तो फ़िलहाल मैं चेकआउट कर रहा हूँ। कल रूम टूर या मतलब रूम आने के बाद मैं व्लॉग नहीं कर पाया ना, इसीलिए एक शॉर्ट ऐसी टूर दे रहा हूँ। ये हो गया टीवी और सोफ़ा, और ये हमारा वॉशरूम, ये कपाट वगैरह तो इधर मिलता है, ये देख लो इधर कपाट मिल रहा है। बस इतना ही है, अभी नीचे जाके मिलता हूँ। चेकआउट या नमस्कार, 109 चेकआउट। यू कैन बी, या थैंक यू। अभी सब लोग उधर लॉबी में ऐसे घूर रहे थे कि मैं किसी दूसरे ग्रह से आ गया था। चलो चलो निकलते हैं। तो अभी हम लोग उदयपुर हाईवे एंटर कर चुके हैं। आज का टारगेट एक्चुअली जयपुर रीच होने का था, लेकिन पता नहीं उधर तक मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बज रहा है 11 o'clock और नाइट राइड मेरे को पूरा का पूरा अवॉइड ही करना है। देखेंगे, अगर उदयपुर तक रोड्स अच्छे हैं तो जयपुर या जो हमारा अजमेर वगैरह, नहीं तो पुष्कर, पुष्कर इज़ अ गुड प्लेस, उधर तक अगर स्ट्रेच मार पाया तो मार दूँगा। भाई भयंकर वाला वाटर क्रॉसिंग है ये, भयंकर वाला, बहुत गहरा है। अगर गड्ढे वड्ढे रहेंगे तो मैं तो गया बेटा। ये नेशनल हाईवे कब आएगा यार, इसमें चलाया ही नहीं जा रहा है। तो ये चेक करो गुजरात, भाई साहब ये देखो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पानी किधर तक आ रहा है। वो पूरा डूब गया है भाई, पूरा डूब गया है। पूरा रास्ता फ्लडेड है, इधर पे फर्स्ट गियर पे ही जाएंगे। ये देख लो, ये देख लो, टायर पूरा खींच रहा है भाई, बस गिरना नहीं चाहिए। निकल गए वो ऑटो कार, सब कुछ डूब चुका है। निकल जाए, देखो डिवाइडर तक पानी आ चुका है, खतरनाक सीन्स हो रहे हैं इधर। वो ठीक है भैया, थैंक यू। ये गूगल मैप्स ना, ये देखो, देखो किधर किधर से लेके आ रहा है यार। क्या
ये बाइक का मैप लगाना ही नहीं चाहिए था यार, सच में बहुत गंदा फंस गया मैं। कार का मैप लगाना चाहिए था। पता नहीं है आज मेरे को नेशनल हाईवे का नसीब है भी या नहीं, देखते हैं। ओ भाई 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 क्या हो रहा है उधर, पूरा जो है मारा मारी चल रहा है। इतना गर्मी है, जैकेट ओपन रखने से भी पसीना छूट रहा है। शायद ये एकमात्र जगह है जिधर पे तुम अगर 100 या 120 की स्पीड में मेंटेन कर रहे हो ना, पसीने छूटने छूटने ही है, ठीक है। खतरनाक गर्मी है इधर, खतरनाक गर्मी। अगर बारिश रहता तो भी चल जाता, मगर इतना गर्मी नहीं यार। 35 से 40 डिग्री रहेगा अभी। अरे फाइनली वी आर ऑन नेशनल हाईवे 48। चलो खींचते हैं थोड़ा। अगर ये लॉरी वाला नहीं रहता ना तो इससे कॉर्नर मारता कि वैलेंटिनो रॉसी भी शर्मा जाता। मजाक कर रहा हूँ। तो एक मिनट के लिए रुका के ही जाते हैं, पानी तो मिल ही जाएगा इसके पास। पानी का बोतल, पानी का बोतल उधर मिलता है। ये देखो राजस्थान एंटर करते ही ये कुछ गेट जैसा है, स्वागत कर रहा है हमारा। वो देख रहे हो, आई डोंट थिंक कैमरा उतना जस्टिस कर पाएगा। वो देखो पहाड़ों को पूरा बादल ने कवर कर दिया है। ओहो ठंडी ठंडी हवा बरस रहा है हमारे ऊपर। ये देखो भाई हमारा पहला टनल। गाइस अभी एक हो चुका है कांड, पुष्कर तक मैं मारने वाला था लेकिन अब पता नहीं किधर रुकूंगा मैं, क्योंकि जो मेरा आईफोन है ना उस पे 2 सिम है और उसके अंदर पानी जा चुका है, तो मेरे को चार्ज करने के लिए नहीं छोड़ रहा है वो। बोल रहा है कि वाटर हैज एंटर्ड द लाइटनिंग पोर्ट सो इट मे टेक सेवरल आवर्स टू ड्रेन। लेकिन अभी ये मैप जितने दूर तक चलेगा ना उतने दूर तक मैं जाऊंगा। अभी पुष्कर तक लगा दिया है, देखते हैं अगर एक स्टेज में हो पाए तो कर दूंगा, नहीं तो अगर किधर भी होटल मिलेगा तो उधर होटल में रुक जाऊंगा। अभी थोड़ा डर लग रहा है, चार्ज नहीं है तो गूगल पे नहीं चलेगा, अगर ये मैप गया तो मैप नहीं लग सकता है फिर से, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, अभी पूरा रश करना पड़ेगा मेरे को। तेज भी चलाना है, आराम से भी चलाना है देख देख के, लेकिन जाना पड़ेगा आज पुष्कर, क्योंकि तब मेरे पास एक और ऑप्शन बचेगा कि अगर कल तक मेरा मोबाइल ठीक नहीं हुआ, चार्ज नहीं हो पाया तो उधर से चंडीगढ़ कुछ 500 किलोमीटर्स का रहेगा। या तो मैं पूछ के जा सकता हूँ, नहीं तो अनवय को पुष्कर बुला सकता हूँ, ऐसा ऐसा सीन हुआ है बोल के। अभी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है मैंने डायरेक्टली, जो मतलब 10% चार्ज बचाता है इसीलिए मोबाइल को ऐसे ही स्विच ऑफ करके अंदर रख दिया। अभी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँचूँगा, क्या होगा आगे। सोच रहा था मस्त मज़े में मारूँगा उधर तक, लेकिन हो गया कांड।